dreams we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अबू ज़ैन एक दफ़ा फिर आपको अपने चैनल ज़े फूड रिव्यूज़ पे खुश आमदेद कहता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मीना वालों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद लरम चिता सुबह पर खैर वाफियत बनी। मीना वालों मुंगा नन यो नवे सिस्ता पखपल चैनल वाने खायु नवे न दे खो जमुंग पदे चैनल वाने पड़ों बिजर मुंगा तस्ता खायु। व्यूअर्स आज हम आपको एक नई चीज़ दिखाने के लिए लेके आए हैं। ये देखिए, मिट्टी के बर्तन है, तंदूर है, गमले है, मिट्टी की कटवी है, मटके हैं और साथ में परात है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं और बर्तन है जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मैंने बोलो जमूंगा दा कैमरा दे वक्त इतना सुतखई चे गमली दी और मंगी दी तंदूर दे और वर्के कटवे दी और खिस्ता रंगा रंग सीजन दी नाजई चिन्हन दे जगह सारे खबरों को। व्यूअर्स इस वक्त देखें, ये हमारे कैमरा आपको दिखा रहा है मिट्टी के बर्तन जो है जिसपे मुख्तलिफ किस्म की गुलकारी हुई है। आप देख रहे हैं नीचे जो है बर्तन है, ऊपर जो है इन्होंने कुछ प्यारे वगैरह रखे हुए जो कि चाइना के हैं। मैंने बोलूँ जमुंगा दा कैमरा दे वक्त इतना सुतखई दम खौरे लूखी दी वो रही मुख्तलिफ किस्म गुलकारी पेशे हुए दा मंगी दी दुने दी दा वड़ू किशांते कटवे गोठे दा टेक्शो दा गो रही दा ग्लास दे ओबोस करो दा पारा दामचे दे मग दे दा जग दे। व्यूअर्स ये जो है जग है, सुराही टाइप का जग है जो कि मिट्टी का बना हुआ है और आग में इसको फिर पकाते होते हैं। ठीक है, ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के प्याले भी आपको नज़र आ रहे हैं, हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है, देख लें बिल्कुल क्लियर आपको नजर। तो आइए बात करते हैं ये भाई साहब से कि क्या इनके व्यूज़ हैं, इनके व्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम काका सिंगल ले अल्लाह डेलवे खे सेहत ते खदे बिल्कुल अल्लाह डेलवे सना मारे दादा खैरा इज्जत खान हो इज्जत खान भाई, ये हम इज्जत खान से इस वक्त बात कर रहे हैं। द समर वक्त उशु ददी दुकान या ददी दुकान खूब मिला सीखेगी तो दुकानदार है मेरे डियर उशु हां समर वक्त तकरीबन उशु यार द दुकानदार है खूब मिला सक 30 साल की भाई साहब बता रहे हैं कि दुकानदारी के जो है तकरीबन हमें ददी कारोबार दास यार दास 30 साल हो गए हैं और ददी कारोबार बाकी दास 10 और ये जो कारोबार है जो कम्हार की बर्तन है मिट्टी के बर्तन है उसको 10 साल हो गए हैं। व्यूअर्स नो ददी चिकम कारोबार दे दाखो नसबा दा लूखी लरगिच दे दा मतरुक शिवी दी जमुंगा खलक चे दे लग मॉडर्न शिवी दी दा सुजुने पेखी दिनो दा रोजगार सिंगा दे समझदूरी वर की कीगी कन कीगी दा से बदमाना टीम पके तेरू गजा लवे वाले से उस बलकार नि शुको ले खाना हां जी ना खपल टीम पके तेरू आ बे रोजगार नम जानो के दे वो विच चाता नास्तम नियु जी तो सर सस चीज दे पर दुकान के पदी दुकान के मासरा गम दी दी खाना कुने दी लुवाड़ खजानी दी दुने दी कटवे दी चाठे दी तनुरुन दी। व्यूअर्स इज्जत खान भाई बता रहे हैं कि इनके पास जो है मिट्टी के मुख्तलिफ किस्म के बर्तन हैं, ये देखें गुलकारी से मुजयन है और साथ में जो है ये देखें कि इनको मुख्तलिफ किस्म की गुलकारी इस पर की गई है। काफ़ी बड़ी दुकान है, मैंने इनसे पूछा कि आजकल कुछ ये चीज़ें जो है ये तो मतरूक हैं तो ये किस तरह आपकी मजदूरी वगैरह हो जाती। ये देखें ये है मुर्गियों को पानी पिलाने के लिए और जो जानवर है छोटे छोटे परिंदे हैं उनके लिए पानी पिलाने के लिए बर्तन है। मिलने वालों दा सीधे लोकी लड़गिरी और साथ में जो है आप अगर थोड़ा सा आगे हमारा कैमरा आपको दिखाए तो ये देखें तंदूर पड़े हुए हैं, गमले हैं मुख्तलिफ किस्म के गमले पड़े हुए। मिलने वालों जमुंगा दा कैमरा तो सुतदी वाकई कई तंदूर नदी और दोगोरे चाठेरी द बिल्कुल द खौरे दे ये बिल्कुल मट्टी का तंदूर है। ये देखें हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है, ये देखें टोटली ये मिट्टी का तंदूर है जो आजकल मेरे ख्याल में बहुत ही मतरूक हुआ। ये जो है ये भी तंदूर है लेकिन ये थोड़ी सी इसकी अपडेटेड शेप है और ये मिट्टी का ही है लेकिन उसको आग पे पकाया गया है। ये हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है, दुकान में और भी मिट्टी के तंदूर जो है आपको नज़र आएंगे।
व्यूवर्स, आजकल जो है ये चीज़ें मतरूक है, लेकिन पुराने ज़माने में जितने भी हमारे बुज़ुर्ग थे तो वो मिट्टी के ही बर्तन इस्तेमाल करते थे और उसी से ही सारा कुछ करते थे। आज के लिए व्यूवर, जो आज का हमारा व्लॉग है मिट्टी के बर्तन के हवाले से जो हम आपको दिखा रहे थे, इसमें ये देखें एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। ये जो है ये तो बिल्कुल आजकल शायद ही जो मॉडर्न लोग हैं, लड़के हैं, वो पहचानते हों। ये देखें, ये चूँकि ईद की आमद आमद हैं, ये इसको उर्फ आम में हमारे यहाँ मंगरे बोलते हैं, खजाना भी बोलते हैं, मतलब जो बच्चे ईद पे पैसे मिलते हैं उनको घर वालों की तरफ से, या जो है रिश्तेदार पैसे देते हैं, या वैसे ही वालदेन पैसे देते हैं, बहन भाई पैसे देते हैं, तो वो इसमें जमा करते होते हैं। ये पुराने ज़माने का एक इसको खजाना बोलते थे हमारे यहाँ मंगरे हुआ तो पुख्तों की मीना बोलो जमे में चिन्हन जमूंग दकम विलाग वो आगा उमदीजे पूरे वो आओ तो सुनो इजाद गुड़ी अबू जैन खुद इजाद नमक खिंच दे जमुन चैनल सब्सक्राइब के खिला सच कम लिखी उसी विधि द सब्सक्राइब के गसला सच कम द लाइक बटन द अगर प्रेस कई आओ प कमेंट्स के दखल मिन और द पुलिस इजहार ज़रूर कई अबू जैन ले इजाद पर कई अल्लाह पमान। व्यूवर्स, हमारा जो आज का व्लॉग है मिट्टी के बर्तन के हवाले से इज़्ज़त खान चाचा से बात हो गई, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन है और जो कुछ पुरानी चीज़ें थी उसकी अपडेटेड शक्ल हमने देख ली है। इजाज़त दीजिए अबू जैन को, कीप वॉचिंग ज़े फूड रिव्यूज़। लेफ्ट साइड पे जो है लाइक का बटन प्रेस करें, राइट साइड पे सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपनी आरा ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।